हेलो बच्चे लोग, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम लोग एच के पहला कौन सा अल्फ़ाबेट सीखे थे। एच के पहला हम लोग ने जी सीखे थे। क्या है देखो, जी है ना, ये क्या है अपना बिग वाला, ये है छोटा जी स्मॉल वाला। अभी उसके साथ साथ हम क्या करेंगे दूसरा, अभी हम नया अल्फ़ाबेट सीखने वाले हैं। एच के पहला कौन सा अल्फ़ाबेट हम लोग ने सीखे, जी। अभी उसके बाद में कौन सा अल्फाबेट सीखने वाले हैं, एच। अभी पहला हम क्या करेंगे देखो, कैसे लिखना है आप मेरे से ऐसे लिखना है। पहला हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन करेंगे। क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन ऐसे देखो, हो गया। फिर इधर से भी स्टैंडिंग लाइन, दो साइड से ऐसे स्टैंडिंग लाइन करेंगे। फिर बीच में इसे स्लीपिंग लाइन क्या करेंगे इसे, वो क्या बन गया है एच। एच है ना, ये क्या है एच, कौन सा सीखे हम लोग ने, बिग वाला एच है। कौन सा है, बिग। बिग बोले तो क्या है, कैपिटल। अभी देखो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से इसे स्टैंडिंग लाइन करेंगे। हाँ, फिर इधर से हाफ सर्कल करके नीचे लेंगे। ये कौन सा अल्फाबेट लिखा है इसमें, स्मॉल। स्मॉल बोले तो क्या होता है, ये स्मॉल है ना। देखो ये कौन सा अल्फाबेट निकाला हम लोग ने, स्मॉल। स्मॉल बोले तो छोटा। तो इस तरह हम लोग ने अभी कैसे दोहरा है उसके ऊपर हम लोग अभी, हेलो, अभी हम लोग एच के ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट आता है वो देखेंगे, कौन सी चीज़ आते हैं एच के ऊपर। अभी देखो इसके ऊपर सीनरी के ऊपर चित्र दिख रहा है, वो कौन सा है, एच फॉर हैट। देखा बच्चे लोग, और क्या आता है याद करो बच्चे लोग, एच फॉर हनी, डाबर हनी। देखा, एच फॉर हनी। आपको हनी पसंद है ना, आप लोग खाते कि नहीं, ब्रेड को लगाते हैं, ऐसे भी खाते हम लोग, है ना, अच्छा लगता है ना आपको, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अभी ये क्या है, एच फॉर हैंगर, एच फॉर हैंगर। हम लोग कपड़ा सुखाने के लिए, फिर हम लोग कपाट में भी कपड़ा लगाते हैं ना, हैंगर का यूज़ करते हैं, है ना, एच फॉर हैंगर। हिंदी में हैंगर बोलते हैं, है ना बच्चे लोग। और अभी कौन सा चित्र दिख रहा है याद करो बच्चे लोग, एच फॉर हैंकरचीफ। हैंकरचीफ बोले तो क्या होता है, इसका यूज़ कैसे करते हम लोग, कि हैंकर से हम लोग जब हमें बहुत पसीना होते हैं तो हम लोग उसको मुंह पूछने के लिए उसका यूज़ करते हैं, करते ना बच्चे लोग। अभी क्या देख के देखो सीनरी के ऊपर, एच फॉर हेड, एच फॉर हेड। देखा बच्चे लोग, एच के ऊपर क्या क्या आता है आपको याद है, आप फिर से हम लोग दोहराएंगे। एच फॉर क्या आता है पहला, एच फॉर हैट, एच फॉर हनी, एच फॉर हैंगर, एच फॉर हैंगर चीफ, एच फॉर हेड, है ना बच्चे लोग। अभी लोग हमें क्या करेंगे, आपको मैं तीन प्रश्न पूछने वाली, उसका सही जवाब देना है। अभी देखो हम लोग ने कौन सा लेटर सीखे आज, एच सीखे, एफ या जी सीखे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि इसमें कितना ऑब्जेक्ट लिए थे, तीन, चार या पाँच। हाँ, फिर अभी तीसरा सवाल है आपका कि तीसरे इसमें क्या है, मैंने जो एच लिखा उसका रंग कौन सा कलर से लिखा था, ब्लू, रेड या हरा कलर का। ऐसे हमें क्या करना है, बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछना है। फिर इसमें अभी आज हम लोग क्या एक नया लेटर सीखे, पहला हम लोग ने जी सीखे, उसके बाद में कौन सा आता है एच। अभी एच के ऊपर हम लोग ने क्या किया, पहचान किया। आप भी आपके बच्चों को ऐसे पहचान करके दिखाना है, बच्चों को पूछना है। अभी इसे क्या होता है, बच्चों को एक नया फायदा होता है कि इसमें नया नया शब्द तो पहचानते बच्चे लोग, हिंदी, मराठी, हिंदी, फिर इंग्लिश भी वर्ड्स होता है उसकी पहचान होते है ना। थैंक यू बच्चे लोग, थैंक यू पेरेंट्स, बाय बाय। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में और बालवाड़ी ग्रुप में हमें भेजना है।